Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Welcome back to my channel Civil Engineering Classes. स्टील के लेक्चर में आपका स्वागत है। बिना देरी किए हुए हम लोग अपने कंप्रेशन मेंबर वाले चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, जो कंप्रेशन मेंबर वाला चैप्टर था उसमें हम लोग जो लास्ट में छोड़े थे वो क्या छोड़े थे, एक क्वेश्चन चालू कर दिए थे। वो क्वेश्चन कुछ ये था, आपको नज़र आ रहा होगा अपने स्क्रीन पे, देखिए ये क्वेश्चन क्या है। NISA 100x100x6 mm FY 250 newton इज यूज एज ए स्ट्रट। ठीक है, स्ट्रट पढ़ रहे थे। स्ट्रट क्या था, ये कंप्रेशन मेंबर है ना, और इसमें दिया हुआ है ट्रस। ठीक है, ये कहाँ पे लग रहा है स्ट्रट, ट्रस में। उसकी लेंथ दी हुई है 3 meter की, और क्या बोला गया था, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ। तो हम लोग इसका जो पहला क्वेश्चन का पहला कंडीशन है, इस क्वेश्चन का पहले जो कंडीशन है वो स्टार्ट कर दिए थे। इट इज़ कनेक्टेड बाई 2 rivets, ये चालू करके और कंप्लीट भी कर लिए थे। इसका जो लास्ट आंसर आया था हम लोग, मैं दिखा देता हूँ जिससे आपको याद आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ख़त्म किए थे, स्ट्रेंथ आ गया था सिग्मा, और सिग्मा एसी और एरिया का मल्टीप्लाई करके हम लोग स्ट्रेंथ निकाल लिए थे, 65.98 kN आ गया था। इसी तरह हम लोग इसके आगे क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्या लिखा हुआ है, इट इज़ कनेक्टेड बाई 1 rivets एट ईच एंड। अब आप ये समझिए कि इस सब में क्या, तीनों में निकालना है स्ट्रेंथ ही निकालना है और कुछ नहीं, नया नहीं निकालना है। लेकिन स्ट्रेंथ निकालना है तो किस वजह से हमारा क्वेश्चन चेंज हो रहा, वो कंडीशन के वजह से चेंज हो रहा। कंडीशन में आप पहले वाले में बोला था कि 2 rivets और फिर सेकंड वाले में बोल रहा है कि 1 rivet। तो इससे हमारा क्या चेंज होगा, सिर्फ हमारा चेंज होगा लेंथ। अगर लेंथ चेंज होगा तो हमारा लैम्डा चेंज होगा, हमारा लैम्डा चेंज होगा तो हमारा क्या चीज़, सिग्मा एसी चेंज होगा, सिग्मा एसी चेंज होगा तो स्ट्रेंथ, ऑब्वियस ही बात है कि हमारा स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेंथ बराबर होता है सिग्मा यानी स्ट्रेस इनटू एरिया। तो हमारा अगर सिग्मा यानी स्ट्रेस चेंज होता है तो स्ट्रेंथ भी चेंज होगा। तो इस कंडीशन के हिसाब से हम लोग अब चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके पास पहले से हैं, आप उसको देख सकते हैं, नोट किए होंगे कॉपी में या फिर आप उसका स्क्रीनशॉट रखे होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो कंडीशन कह रहा था, उस कंडीशन में हमको क्या बोला था, इट इज़ कनेक्टेड बाई, बी नंबर में क्या था, जो बी कंडीशन है, इट, एक सेकेंड, कहाँ लिख लिया मैं, चलिए इसको थोड़ा ऐसा कर देगा, इट इज कनेक्टेड बाय, किसके साथ कनेक्ट है ये आप ध्यान रखिएगा, है ना, कनेक्टेड बाय 1 rivet के साथ, 1 rivets एट ईच एंड। ठीक है, जो भी सिरा है भाई आपका, चाहे कॉलम हो चाहे स्ट्रट हो, उसमें सिरे होंगी, है ना, तो सिरा को ही कहते हैं एंड, एंड कहते हैं। तो इट इज़ कनेक्टेड बाई 1 rivet एट ईच एंड। तो अब इसका देख लेते हैं लेंथ क्या हो जाएगा। तो आप लोग टेबल बना लिए होंगे या टेबल को आप लोग स्क्रीनशॉट में रखे होंगे, तो उसमें से आप देख सकते हैं, मैं आपको बुक से दिखा दे रहा हूँ लेंथ क्या है। ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि लेंथ कैसे देखते हैं। पिछले वाले वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ कि लेंथ को कैसे देखा जाता है। इस वीडियो में दोबारा आप देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, है ना। ठीक है, अब ये एक चीज़ मैं बताया था आपको, फिर से आप देख लीजिए, ये लेंथ के बारे में था, यहाँ पे कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस के बारे में था। ठीक है, अब उसमें बोला था कि आपका एंगल कैसा है, ठीक है, सिंगल डबल, ठीक है, ये सारी चीज़ थी। अब देखिए, सिंगल एंगल कनेक्टेड विथ मोर देन 1 rivet और सिंगल एंगल कनेक्टेड विथ 1 rivet, तो ये मोर देन 1 वाला है। एक सेकेंड, आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये सही रहेगा। तो क्या बोला इसने, सिंगल एंगल कनेक्टेड विथ 1 rivet, इसका लेंथ क्या है, 1L है, मतलब कोई चेंज नहीं, लेकिन सिग्मा में चेंज है, 0.8 सिग्मा AC है। तो आपको क्या करना है, जो लेंथ है वो ओवर चेंज कर लेना है। तो जल्दी से, लेंथ क्या था हमारा, ये देख लीजिए, लेंथ था 3 meter, तो बाद में इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगा, L इफेक्टिव, सॉल्यूशन ये चालू कर देते हैं,
ठीक है बी पॉइंट पे। एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा, ये 1L हो रहा है तो बराबर हो गया 3 मीटर का 3 मीटर। अब इस 3 मीटर को आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है किस में कन्वर्ट कर सकते हो, mm में करना है, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन किए थे ना, कोई भी चेंजेस नहीं लाना है, उसी टाइप से कर देना है, ठीक है पेपर में ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। तो आप अगर mm में किए थे तो mm में, चलिए मैं आपको पिछले वाले क्वेश्चन का दिखा देता हूँ कि आप किस में किए थे। ये देख लीजिए एल इफेक्टिव लाए थे और ये 3000 mm में किए थे, आप इसमें भी mm में कर सकते हैं, है ना। फिर लैम्डा लाए थे और लैम्डा के बाद आप सिग्मा एसी लाए थे, यही चीज़ इसमें भी करना है। तो हम लोग क्या किए, 3 मीटर लिखे, इसके बाद इसको चेंज कर लिए, 3000 mm हो गया, ठीक है एल इफेक्टिव हो गया है। और अब हम लोग इसका लैम्डा निकाल लेंगे, तो लैम्डा निकालेंगे कैसे, लैम्डा बराबर होता है एल बाई इफेक्टिव बाई आर मिनिमम। तो आर मिनिमम ये देखना है और एल इफेक्टिव देखना है। तो आर मिनिमम कैसे देखते थे, मैं बताया था, या तो डायरेक्शन के हिसाब से या तो डायरेक्ट आप स्टील टेबल से आर मिनिमम देख सकते हैं। तो आर मिनिमम जो इससे पहले शुरू में हम लोग देखे थे ना, आर मिनिमम लिए थे ऊपर साइड में, वही आर मिनिमम यहाँ यूज कर लीजिए। आपको कैसे देखा जाता है आर मिनिमम वो बता चुका हूँ, आर एक्सेस, आर वाई वाई, आर यू यू, आर वी वी, आर जेड जेड, जिसमें सबसे कम रहता है आर की वैल्यू वो वाला ले लेते हैं, आर मिनिमम कहला जाता है, ठीक है। तो इस वाले कंडीशन में क्या था, हम लोग ऊपर देख चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। अगर आप ये नए हैं इस वीडियो में तो पुराने वाले वीडियो में आप जाकर वीडियो लेक्चर में आप देख लीजिएगा, पूरा फंक्शन मैं अच्छे से समझाया हूँ ना, यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 3000 और ये आर मिनिमम था हमारा 19.5, ठीक है 1.95 सेंटीमीटर था, एमएम में बदले हैं। और ये हो जाएगा कैलसिस सॉल्व करने पर इतना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर। अब ये चीज़ किससे छोटा है किससे बड़ा है, ठीक है तो ये पता किससे चलता है, ये तो लैम्डा आ गया, लैम्डा मैक्स से पता चलता है। तो लैम्डा मैक्स बाई स्टील कोड किससे पर चलेगा, स्टील कोड जो है आपके पास कौन सा है, 800 1984, ये वाले से आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर से एक बार दिखा देता हूँ, पिछले वाले वीडियो दिखा चुका हूँ, फिर भी दिखा देता हूँ। पेज नंबर यहाँ देखिए, ये पेज नंबर 30 है, ठीक है पेज नंबर 30 में आपको ये यहाँ पर लिखा हुआ मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो, यही है लैम्डा मैक्स है, और ये लैम्डा का फार्मूला दिया हुआ एल बाई आर, ठीक है एल इफेक्टिव बाई आर मिनिमम। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, अपना वाला देखना है, जो चीज़ ढूंढ रहे हो ढूंढ क्या रहे हैं ये ध्यान रखना है, ठीक है क्वेश्चन में क्या पूछा है ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप क्या क्या था, पहले वाले में हम लोग इससे पहले वाले में जस्ट किए थे तो क्या किए थे, और ये वाले में क्या कर रहे हैं, ठीक है इससे पहले वाले में क्या किए थे, मेंबर नॉर्मली एक्ट कर रहा था और यहाँ पे लिखा हुआ ब्रेसिंग सिस्टम है और रूफ ट्रस है, ठीक है तो हमारा कितना आ गया था 350 आ गया था, ठीक है। उसी तरह ये वाले में भी हम देख लेंगे कि क्या चीज़ है। तो इस कंडीशन में आपको लेना है जो कंप्रेसिव लोड को बियर कर रहा होगा, पहला नंबर क्या लिखा है, मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड एंड इम्पोज लोड, ये 180 है, इसी को ले लेना है, ठीक है। तो चलिए रख लेते हैं वैल्यू, तो ये कितना हो गया 180 हो गया। अब बताइए लैम्डा छोटा है 153 कि लैम्डा मैक्स, तो लैम्डा इज लेस देन लैम्डा मैक्स, ठीक है यहाँ तक क्लियर हो गया, ये होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये करने के बाद हम लोग लैम्डा मैक्स जो लैम्डा की वैल्यू है, लैम्डा अगर मिल गया है तो एफ वाई से हम लोग सिग्मा ऐसे निकाल लेते हैं, चलिए स्पीड से हम लोग उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास कहाँ से, फ्रॉम टेबल, कौन सा टेबल देखे थे और कौन सा इसमें देखेंगे, है ना। तो टेबल इसमें है 4.4, इससे पहला कौन सा टेबल देखे हैं वो ध्यान रखेंगे,
और उसके बाद ये कौन से टेबल देख रहे हैं ये ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए ठीक है, 4.4 तो ये टेबल है 4.4 टेक्स्ट बुक में, ठीक है। लेकिन ये वाला काम सिर्फ अभी प्रैक्टिस के लिए आएगा, और असली जो पेपर में है वो कहाँ से आएगा, वो टेबल नंबर 5.1 जो कि आईएस कोड का है। किसका है? आईएस कोड। ये कौन सा है? 800, आपको पता होना चाहिए, 1984। तो इस कोड में 5.1 जाना है और आपको अपना जो भी चीज़ है वो मिल जाएगा। तो हम लोगों को लैम्डा मिल चुका है 153.846, और हमको FY पता है इस क्वेश्चन में 250 गिवन था, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे 250 गिवन था। अब सिग्मा AC निकालना है। क्या निकालना है? सिग्मा AC। इंटरपोलेशन मेथड में समझा दिया हूँ पिछले वीडियो में, आप अच्छे से वहाँ जाकर देख लीजिएगा। यहाँ मैं डायरेक्ट वैल्यू रख दूंगा, बस आपको मैं टेबल दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये 5.1 टेबल है, और 5.1 टेबल में FY250 जाना है, और आपको 153 to 150 to 160 देखना है ना, 150 और 160 देखना, ताकि इनके बीच में 153 आ जाए और ये 250 के बीच में। सॉरी, तो देखिए 45-41 है, इनके बीच में वैल्यू आनी चाहिए। कहाँ आनी चाहिए? आपका वैल्यू दे रहा है लैम्डा 150 160, और FY में 250 में आपको सिग्मा AC की जो वैल्यू है, इसके सिग्मा AC की जो वैल्यू है, पहला 45 दूसरा 41, मतलब इनके बीच में वैल्यू आनी चाहिए लगभग। तो बाई इंटरपोलेशन मेथड, ठीक है, ये मेथड आप लगा लीजिएगा, पिछले वाले वीडियो देखकर कैसे मैंने वहाँ पर सिखाया है। मैं डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू बता देता हूँ, फिर भी शॉर्टकट बता देता हूँ आपको। मैं बोला था पिछले वीडियो में बताऊँगा, नहीं बता पाया। शॉर्टकट ये है कि आपके पास टाइम नहीं है पेपर में, है ना, इंटरपोलेशन मेथड करने का, बिल्कुल। तो आप समझ लीजिए कि इनके बीच में जो है 41-45 के बीच में, यहाँ पे 153-160 के बीच में कहाँ पर वैल्यू आ रही है? 153। एक एवरेज आसपास आप वैल्यू लिख सकते हैं कि अगर 53 किधर बढ़ रहा 60 की तरफ, तो 45 किधर बढ़ेगा 41 की तरफ। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि यहाँ 4 गैप है, और तो 42-43-42.5 कुछ समथिंग ऐसा वैल्यू आप ला सकते हैं, है ना। लेकिन आप कोशिश करिएगा कितना टाइम रहता है कि आप उसको निकाल लें इंटरपोलेशन मेथड लगाकर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिग्मा AC की वैल्यू आ रही बाय इंटरपोलेशन 43.46 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये सिग्मा AC हो गया अपने पास। एरिया हम लोग पहले से ही पा चुके थे, है ना, तो एरिया की दिक्कत नहीं है, एरिया हम लोग पा चुके हैं। तो कहाँ से पाए भाई? ये स्टील टेबल से, ठीक है। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट स्ट्रेंथ में निकाल रहा हूँ, तो स्ट्रेंथ यही मुद्दा है, स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रट यही इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक है, ये अब ध्यान रखिएगा, मेन चीज यही है। तो अब क्या करना था? सिग्मा AC इंटू एरिया करना है। तो डायरेक्ट आप सिग्मा AC की वैल्यू रखिए। अच्छा, जो सिग्मा AC आया है उसमें 0.8 का मल्टीप्लाई करना, ना बोलना ये कहाँ से अलाइबल वर्किंग स्ट्रेस है, ठीक है। तो 0.80 और फिर उसके बाद सिग्मा AC करना है, ठीक है, ये बता चुका हूँ मैं। ये कहाँ से देखा है? आप टेबल से आपने देखा है, ठीक है। और उसके बाद इंटू करना एरिया का, एरिया कितना था? 1167। ये कितना हो गया? 08 इंटू सिग्मा AC कितना हो गया आपका? 43.46 इंटू 1167। ये आंसर निकल के आएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ये आंसर निकल के आ रहा है आपका 45.64.92 ये न्यूटन में, ठीक है, आप किलो न्यूटन में चेंज कर सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चन हो गए। अब रही बात ये वाला चीज, मैं टेबल में दिखा देता हूँ आपको, मैं बुक में दिखाया था, अब एक बार टेबल में दिखा देता हूँ कि सारी चीज़ें आपको थोड़ा बहुत कहाँ से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए आप टेबल, और ये पेज नंबर है 46। अब 46 में आपको देखना है, यहाँ लिखा होगा एंगल स्टड, सिंगल एंगल स्टड। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स इन्होंने दिए हुए हैं कोड वालों ने, ठीक है। क्या दिया? सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूस स्ट्रट कनेक्टेड बाय ए सिंगल रिवेट बोल्ट
may be designed for axial load only provided by compressive stress does not exceed 80% of the value given in table 5.1. ठीक है, यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ के बारे में कुछ दिया है. ठीक है, इसी तरह आप पढ़ते जाएंगे. यहाँ पर दिया हुआ इन नो केस हाउएवर सेल द रेशियो ऑफ सिलेंडरनेस रेशियो फॉर सिंगल एंगल स्ट्रट. तो सिंगल एंगल स्ट्रट के लिए 180 से ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं. ठीक है, ये चीज पॉइंट की बात है. इन नो केस हाउएवर सेल द रेशियो ऑफ सिलेंडरनेस रेशियो फॉर सच सिंगल एंगल स्ट्रट एक्सीड 180. तो सिलेंडरनेस रेशियो हमने जो सेकेंड वाले में लिया है 180 ऐसे लिया है. ठीक है, तो ये देख सकते हैं सिंगल एंगल के लिए ये रहता है, डबल एंगल के लिए आप चेंज कर सकते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूस स्टार्ट कनेक्टेड बाय वेल्ड और बाय टू मोर देन रिविट के बारे में बात किया गया है, या बोल्ट के बारे में, है ना. एंगल एट ईच एंड में डिजाइन बाय एक्सियल लोड ओनली प्रोवाइडेड द कंप्रेशन स्ट्रेस डज नॉट एक्सीड द वैल्यू गिवन इन टेबल 5.1. 5.1 वाले जो टेबल में दिया है ना, उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए. विच इज इफेक्टिव, अब इफेक्टिव लेंथ की बात की गई है इस कंडीशन में, तो 0.85 टाइम रहेगा लेंथ का, है ना, 0.85 टाइम लेंथ का रहेगा. ये चीज आपको कोड में दिया हुआ है. ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा. लेंथ ऑफ द स्ट्रट सेंटर टू सेंटर इंटरसेक्शन, और ये आर दे दिया मिनिमम रेडियस. फिर डबल एंगल के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पर उसका देखिए 0.7 टू 0.85 टाइम दिया हुआ है. अब मैं ये कहाँ पे से क्या दिखा रहा हूँ आपको पता चल जाएगा, जब मैंने बुक में दिखाया था कि ये एंगल स्टड के बारे में कुछ जब बता रहा था तो टेबल एक दिखाया था, तो उस टेबल को आप ध्यान से देखिए तो आपको सारी चीज़ें थोड़ा क्लियर हो जाएंगे. कंटिन्यूस सिंगल और डबल एंगल के बारे में बात हुई है, तो 0.7L और 1L. ठीक है, और सिंगल एंगल कनेक्टेड 1L, डिसकंटिन्यूस सिंगल एंगल कनेक्टेड एक से ज़्यादा रिवेट है तो 0.85L है, और डबल एंगल प्लेस बैक टू बैक या अपोजिट है तो ये है. और ये यहीं पे दिखा हुआ है, डबल एंगल स्टड के बारे में बात हुई है. ठीक है, तो इफेक्टिव लेंथ यहाँ पर कुछ ऐसा दिया हुआ 0.7 एंड 0.85. ठीक है, तो आप इसको ऐसा ध्यान में रखकर याद कर लीजिएगा, इस जगह पे ये चेंज है और यहाँ पे 0.85 जो चेंज था. ठीक है, ये चेंज है, निकाब है सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूस स्टड में, है ना. तो हम लोग सिंगल एंगल और डिसकंटिन्यूस स्टड देखे थे, है ना, और मोर देन किसकी बात की गई है, वन रिविट की, बाय टू और मोर रिविट के बारे में बात की गई है. तब देखिए मोर देन वन रिविट 0.85 है, और वो वही चीज़ यहाँ पर भी दिया हुआ है. तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में अगर ये पूछता है तो आप ये चार्ट खोल के बैठ जाइएगा. ठीक है, आपका काम हो जाएगा. आई होप आपको ये क्लियर समझ में आ गया हो कि क्या चीज़ कैसा है. इसके अलावा बाकी सब चीज़ क्या है, 1L है. ठीक है, एंगल स्टड में. चलिए अब हमारा लास्ट सी पॉइंट बचता है, सी पॉइंट में देख लेते हैं कि क्या चीज़ बचा हुआ है सी के लिए, है ना. तो अभी तक हम लोग ऐसा सॉल्व कर लिए हैं. सी वाला क्या कहता है, चलिए मैं क्वेश्चन थोड़ा सा खोल लूँ एक बार, है ना. तो सी में कह रहा है इट इज वेल्डेड एट ईच एंड. ठीक है, वेल्डेड एट ईच एंड, तो लिख लेते हैं सी पॉइंट. इट इज वेल्डेड एट ईच एंड. ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आप अच्छे समझ जाएंगे तो सारे क्वेश्चन आपको लगाना आसान हो जाएगा, है ना, दिक्कत की बात नहीं है. तो अब इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए कि हम लोग आईएस कोड के हिसाब से जब सॉल्व करेंगे वेल्डेड को, तो उसमें हमारा जो केस नंबर वन था ना, केस नंबर वन में क्या बोला था कि इट इज कनेक्टेड बाय टू रिविट दोनों साइड में, तो सेम टू सेम उसी के आसपास सिमिलर वैल्यू आ जाती, इसीलिए हम लोग इसको सॉल्व ना कर करके समझ जाते हैं कि सिमिलर उसी के आसपास वैल्यू आएगी. तो स्टेटमेंट दे सकते हो आप पेपर में कि ये सिमिलर वैल्यू देता है, तो लगभग उसी को मान लिया जाएगा, हम दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे. ठीक है, क्या कहते हैं, व्हेन द स्ट्रट, है ना, इज वेल्डेड, जब स्ट्रट को क्या किया गया हो, वेल्ड किया गया हो एट एच एंड द स्पेसिफिकेशन एज लेड बाय द आई एस कोड आर
सिमिलर है, ठीक है, एक जैसा सिमिलर टू किस, कौन से केस का, केस फर्स्ट में जो हुआ था, तो केस ए, एंड देयरफॉर, इसलिए देयरफॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रट विल बी 65.98 किलो न्यूटन, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन तीनों जो ए बी सी था समझ में आया होगा, और कैसे हम लोग टेबल को देखते हैं वो भी आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं एक बार और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलेंगे और क्वेश्चन लगाएंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग इसको यहीं पर क्या करते हैं, रोकते हैं, ठीक है, और अगले वीडियो में मैं आपको क्या करूँगा कि और आगे का जो, जो आपका ये वाला है स्टार्ट वाला क्वेश्चन है वो सारे करा दूंगा, उसके बाद जो वीडियो बनेगा वो कॉलम के ऊपर बनेगा कंप्रेशन में, ठीक है। आपको बीच में कोई भी डाउट हो किसी चीज़ पर तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे, है ना, आप मुझसे व्हाट्सएप में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ सकते हैं, मैं आपको कॉन्टेक्ट कर लूँगा, ठीक है, थैंक यू।